ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡੇ ਕਰੀ ਕਿਤਰਾ ਕੇ ਰੌਂਡ ਤੇ ਜਵਾ ਕੇ ਨਾ ਰੁਝ ਕਰਦੇ ਰੌਂਡ ਮੁੰਡੇ ਬ੍ਰਾਊਨ ਮੁੰਡੇ ब्राउन मुंडे। तो भाइयों और बहनों, हमने कार पार्क कर दी है अपनी पैडिंगटन स्टेशन पे। आप देख रहे हैं मैं थोड़ा ब्राउन मुंडे हो गया हूँ, ब्राउन मुंडे सुन सुन के। और ये बर्थडे गर्ल आपको हाय बोलते हुए, और हम जा रहे हैं अभी हमारे लिटिल वेनिस। तो हम लोग यहाँ पे लिटिल वेनिस में आए हैं, तो ऑब्वियसली जब वेनिस में आएंगे तो बोट राइड तो करेंगे करेंगे। सो दैट इज फर्स्ट थिंग टू डू ओवर हियर। एंड देन उसके बाद हम सोच रहे हैं कि कोई एक नाइस कैफे में चल के कॉफी पियेंगे, बिकॉज हम बिना कॉफी के हम लोग काम नहीं करते। सो दैट वी हैव टू डू। एंड देन देयर इज अ सरप्राइज एट द एंड, ऑलमोस्ट इन द इवनिंग। हैं अपने वेनिस में, लेट्स एक्सप्लोर लिटिल वेनिस। विवेक अपनी फ्यूचर एस्पिरेशंस देख रहा है, जैसे शाहरुख खान ने मुंबई में देख के बोला था मन्नत को देख के मैं रहूंगा यहाँ पे एक दिन, वैसे विवेक इन घरों को देख के बोल रहा है कि मैं यहाँ रहूंगा एक दिन। दोस्तों, इनमें से एक घर मैं इशू के लिए खरीदने वाला हूँ, सो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सा घर। वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे समर्स में लोग टैन हो रहे हैं, सो यहाँ पे आप लिटिल वेनिस में आके बोट ट्रिप्स कर सकते हैं, जैसा विवेक ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि कहाँ पे हम जाके बोट ट्रिप कर सकते हैं। वी आर इन लिटिल वेनिस एंड हम लोग जा रहे हैं कैप्टन टाउन मार्केट। एंड देन उसके बाद हम लोग थोड़ा सा घूम घुमा के आएंगे वापस यहीं पे, बिकॉज हम लोगों ने एक शो बुक किया हुआ है, तो वी विल टेक यू ऑन द फेरी राइड। तो हम कैंडन मार्केट में आ गए और हमने कॉफ़ी ऑर्डर की अपने लिए, और आप देख रहे हैं म्यूज़िक काफ़ी लाउड है, मस्त मज़ा आ रहा है। लाउड है, काफ़ी लगने बहुत ज़्यादा स्ट्रीट फूड की वैरायटी दिख रही है, तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको दिखाते हैं कैंडन मार्केट के। We'll be right back.
हमारा पनीर ओवरडोज हो जाएगा। लाइक लेट्स सी, यू कैन टेक, लेट्स टेक पनीर रोल, यू वांट? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी चीजें खाने पीने की मिल रही है और म्यूजिक चल रहा है। खरीदा आपने अभी तक? टी चेंस ले लिए, जैकेट ले लिया है चीकू के लिए। और आपके फ्रेंड के लिए क्या लिया? मेरे फ्रेंड के लिए वो सरप्राइज रहेगा अगर वो हमारा सर। हमसे गर्ल्स हम जा रहे हैं वापस लिटिल वेनिस, बस राइड कर रही है। ये इशू का बहुत ही फेवरेट पार्ट है, बस राइड करना और बिना मास्क। कैमडन मार्केट छोड़ के आ गए, बट इशू को बहुत पसंद आया, सो वी विल बी बैक हियर अगेन। शॉपिंग भी काफी कर लिया। इट वाज फन। अब हम जा रहे हैं कैनाल कैफे और वहां पे हम देखेंगे कॉमेडी शो। सो दो बजे से 6 बजे 45 मिनट्स की तो बोट राइड ही थी। उसके बाद हमने किया मार्केट विचरण, कैमडन मार्केट विचरण, 1.5-2 घंटा। पता ही नहीं लगा मुझे तो मेरा बर्थडे कब आया कब गया। सच में बोट राइड में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली ना मुझे। ये अच्छा लगा उसने बताया कि पुराने ज़माने में बोट्स को एक हॉर्स कैरी करता था, उसमें इंजन्स नहीं होती थी, राइट? सो ऑन द साइड ऑफ द कैनाल देयर इज स्ट्रीट, यू कैन कम हियर, टेक अ बोट, कैप्टन टाउन जा सकते हो आप। एंड देन एक और चीज जो हमने आज नहीं की है वो है जू। सो इफ यू वांट टू डू, जो रास्ते में हमें दिखा था मिला, तो आप जू भी कर सकते हो। सो देयर आर सो मेनी, लाइक एक दिन के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सो कम अर्ली, वी वुड रिकमेंड कम अर्ली। कम अर्ली, वी केम लेट, वी केम अराउंड 1 o'clock। कम टू लिटिल वेनिस, टेक अ बोट राइड, यू कैन सी द जू ऑन द वे। यू कैन आल्सो टेक अ वॉक व्हिच यू हैव नॉट, व्हिच वी हैव नॉट डन इन द साइड ऑफ द कैनाल, बट वो अलग अलग दिन मुझे लगता है। एक दिन बोट राइड कर ली, वापस आप चल के आ सकते हो अगर आप चाहते हो तो। एंड देन कैमडन मार्केट में जाके मार्केट में शॉपिंग, फूड एक्सेट्रा, क्या वो करना ही चाहिए। और बीच में हमें दिखा था कि उसी रीजन में हाइड पार्क और ये सब भी थे, बट आई थिंक वो सब करना है तो और टाइम चाहिए। हाइड पार्क विल टेक प्रोबेबली सेकंड डे। एंड आर थिएटर इज एक्चुअली कैफे/थिएटर है ना, वो कुछ अलग ही कैफे/थिएटर थिएटर है। नीचे आपका बार और कैफे और रेस्टोरेंट कैनाल के बहुत पास ही, जैसे हम यहाँ पे कैनाल है एंड वहाँ पे वो जो वाइट बिल्डिंग रहती है दैट इज द थिएटर। तो आप यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं जैसे वे कर रहे हैं।
So this is the show that we are seeing. Valentine's Day. So the person who is performing and this आप देख सकते हैं. This is about dating and all. And यहाँ पे already heart shaped chocolates पड़ी थी जिसमें से एक वे खा चुका है. And the stage. And our drinks. Waiting for the show to begin. Yeah, exactly. So we just came out of the one woman play. वो अपने dating के बारे में बता रही थी और basically अपने dating story पे उसने play भी किया. So it was quite fun. So yeah, we watched the comedy play and now we are out going back to our car and heading home. Eventful day. Vivek ने पूरा plan किया था. Thank you. You're welcome. We hope आपको मजा आया हो और ऐसे ही हम और व्लॉग्स बनाएंगे अगर आप अच्छा कमेंट करेंगे. If you are interested, we will definitely do more. We'll see you in our next video. Bye.